गाड़ी चलाते वक्त सड़क पर सफ़ेद साड़ी में अगर कोई महिला दिख जाए और वह आपकी गाड़ी का तेज़ी से पीछा करने लगे तो डर के मारे आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। लेकिन ये कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि भारत में कई ऐसी सड़कें और हाईवे हैं जहां रात होते ही डरावने नज़ारे देखने लगते हैं। आज हम आपको ऐसे हॉन्टेड हाईवे के बारे में बताएंगे जहां लोगों का होता है भूतों से सामना। देश की राजधानी दिल्ली में भी कैट रोड पर अक्सर लोगों का सामना सफ़ेद साड़ी पहनी एक महिला से होता है जो अक्सर आधी रात में लोगों से लिफ्ट मांगती नज़र आती है और अक्सर ये लोगों की गाड़ियों का पीछा करती है। इसलिए यहाँ से जितनी तेज़ी से हो सके गाड़ी भगा लें। मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे। इस हाईवे पर हमेशा ऐसे हादसे और मौतें होती रहती हैं जिस पर आंखें यकीन नहीं कर पाती। एक आदमी का इस हाईवे पर बेहद डरावना अनुभव रहा। वह जब अपने पिता के साथ इस एक्सप्रेस हाईवे से गुजर रहा था तो एक औरत ने लिफ्ट मांगी। उसके पिता ने लिफ्ट दे दी। कुछ देर उस औरत से बातचीत भी हुई। बाद में उसे जहां जाना था वहां छोड़ दिया। लेकिन उस औरत की गाड़ी से उतरने के बाद ही बाहर देखा तो वहां कोई नहीं था, जिसके बाद उन्होंने गाड़ी को बिना रुके तेज़ी से भगा दिया। मुंबई गोवा हाईवे। इस रास्ते पर एक रहस्यमय आदमी रात को गाड़ियों के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उन्हें रुकने के लिए कहता है। इसी वजह से यहाँ कई हादसे हो चुके हैं। मुंबई नासिक हाईवे। लोगों का कहना है कि यहाँ की पेड़ पत्तियाँ भी रात होते ही डरावनी होती जाती हैं और बिना सिर वाली एक औरत पेड़ों पर बैठी नज़र आती है। नेशनल हाईवे जमशेदपुर। यह हाईवे काफ़ी डरावना माना जाता है। कहा जाता है कि रात में चलती गाड़ियों के सामने अचानक एक औरत गाड़ियों के सामने आ जाती है, जिसको बचाने के चक्कर में कई हादसे हो चुके हैं। अगर आपको ऐसे किसी हाईवे से गुजरना हो तो जितना तेज़ी हो सके उतनी तेज़ी से निकल जाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपको देखने में मिलती रहे। शहद प्रकृति की बहुत ही सुंदर और मीठी देन है। इसका सबसे अच्छा स्रोत है दादी भनी, जो सीधा मधुमक्खियों के छत्तों से निकलकर आपकी चम्मच तक पहुँचता है बिना किसी मेडिकल प्रोसेस या मिलावट के। यह आपको कच्चे शहद की अच्छी गुणवत्ता प्रदान करता है। आप इस पर भरोसा इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि यह देश के बाहर भी जाता है और इसको जर्मन की लेबोरेटरी में भी टेस्ट किया जा चुका है।